जनकपुर में सड़क धसने की घटना सामने आई है, जहां जनकपुरी के कोसांगीपुर में सड़क धस गई है। सड़क धसने के बाद अब बड़ा हादसा जो है वो टला है। पाइपलाइन में लीकेज से सड़क पर गड्ढा हुआ था और देखिए किस तरीके से जनकपुरी में ये सड़क धसी है। बड़ा हादसा हो सकता था अगर उस वक्त वहां से कोई वाहन गुजर रहा होता तो, और बीच सड़क किस तरीके से देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया। और तस्वीरों को देखकर सहज आप अंदाजा लगा पाएंगे अगर कोई गाड़ी यहां पर गिर जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है, खासतौर पर जब ये जो गड्ढा हुआ है अगर ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है तो फिर वहां पर लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन देखिए आप किस तरह से उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है और अगर आप देखें तो वो एक येलो कलर की पट्टी भी लगा दी गई है ताकि लोग इस बात को समझ जाएं कि यहां पर गड्ढा हो चुका है। लेकिन ये एक बड़े हादसे का कारक हो सकता था और इस बारे में विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी अमित गौतम दे रहे हैं, सुनिए सर। दिल्ली में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल दिल्ली के जनकपुरी में एक मेन रोड पर रोड धस गई, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई शुक्र है, लेकिन मैं उसी जगह पर लोकेशन पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि काफी बड़े एरिया में काफी चौड़ी पे मेन रोड पर रोड धस चुकी है और हालांकि इसके नीचे पूरा पानी है। मैं आपको बता दें तकरीबन ये घटना करीब सुबह 5:30-6 बजे की करीब की घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले रोड थोड़ा चटका हुआ मिला, इसके बाद जब स्थानीय लोगों को पता पड़ा तो उन्होंने इन्फॉर्म किया, प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन आया, लेकिन जब तक वो आया तब तक रोड धस चुकी थी और आसपास एक सिक्योरिटी लेवल के लिए पूरा बैनर केबल लगा दी गई थी जिससे कोई भी रोड इधर क्रॉस, कोई भी वाहन यहाँ क्रॉस नहीं कर पाए, ना कोई आ जा पाए। और लेकिन धीरे धीरे देखा पूरा धस गया, लेकिन ये देखा जाए तो ये रोड वो पूरे PWD की है, लेकिन ये उसमें पानी भरा हुआ है, लाइन है, जल बोर्ड के अंदर आती है, कई सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं।